1976 में एक मूवी आई थी महबूबा, जिसमें एक्टर की बात करें तो राजेश खन्ना और हेमा मालिनी थे। उस फिल्म में दोस्तों एक गाना था, तेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। उस गाने के सीन दोस्तों इसी मैसूर पैलेस में लिए गए हैं। आपको एक दो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जिसमें आप मैच कर सकते हो, इन खम्भों के नज़ारे लिए गए हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं भी काफ़ी ज़्यादा मस्त हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा महल मैसूर पैलेस। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखना। चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों सामने आप देख सकते हो मैसूर पैलेस का मेन गेट है, और उस साइड में दोस्तों टिकट काउंटर है जहाँ हमारे दो भाई टिकट ले रहे हैं। फिलहाल अभी इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या सीन है, और देखते हैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा महल कैसा है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों। दोस्तों मैसूर पैलेस के अंदर जाने के लिए आपको अपने जूते चप्पल बाहर निकाल के रखने पड़ेंगे। अभी हम लोगों ने जूता चप्पल बाहर रख दिया है, और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर और देखते हैं दोस्तों अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और एक साइड से हम लोग अंदर जाएंगे, दूसरी साइड से घूम घाम के हम लोग वापस से निकल जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों फटाफट से चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें। दोस्तों ये काफ़ी बड़े से एरिया में फैला हुआ है, आपको चारों साइड कैमरा करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा सा एरिया है, और पीछे पैलेस है। दोस्तों यहाँ पर भी नाइट में लाइट शो होता है, नाइट में देखने का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। अभी हम लोग डे में आए हैं, सोच रहे नाइट में भी देख लें यहाँ कैसा क्या नज़ारा होता है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी दिन के नज़ारे देख लीजिए। ये पीछे गार्डन टाइप का बना हुआ है, और उस साइड में पैलेस है। और अभी मैं बैक कैमरे से आपको पूरा पैलेस का नज़ारा दिखाता हूँ कैसा कैसा क्या है। उस साइड से दोस्तों आप देख सकते हो ये पूरा एरिया पैलेस का ही है, और ये सामने पैलेस है, ये बड़ा सा गुम्बद आप देख सकते हो। अभी फ़िलहाल मौसम उतना सही नहीं है, बारिश होने वाली है शायद, इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सही से। भीड़ देखिए दोस्तों, भीड़ भीड़ देखकर आपको अंदाज़ा लग रहा होगा दोस्तों कितना फेमस जगह है ये। और आप गूगल पे या कहीं पे भी सर्च करेंगे मैसूर टूरिस्ट बेस्ट प्लेसेस में, तो मैसूर पैलेस का नाम उसमें ज़रूर आएगा। इधर एक स्टैचू लगा हुआ टाइगर का, ये सामने पैलेस है। पैलेस के नज़ारे आप देख सकते हो, मौसम उतना साफ नहीं है जिस कारण से अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैसूर पैलेस के अंदर काफ़ी खूबसूरत सी नक्काशी की गई है आप देख सकते हो, और दोस्तों सामने आप देख सकते हो इन खम्भों में जो येलो कलर की लाइन लगी हुई है उसमें सोने के परत चढ़े हुए हैं, इसी कारण से दोस्तों इसके सामने जाने को नहीं मिलता है। जैसा कि आप साइड में रिबन लगा हुआ देख सकते हो, उसके अंदर जाना अलाउड नहीं होता है दोस्तों, बाहर से आप फोटो वोटो खींच सकते हो। और पैलेस काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा है, और आज दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है आप देख सकते हो। अंदर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और कुछ बच्चे भी रो रहे थे जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मैंने उसकी थोड़ी बहुत कॉपी भी की। और फिलहाल अभी दोस्तों काफ़ी सारा घूम घाम लिया, और फिलहाल बाहर से भी मैसूर पैलेस और अंदर से भी काफ़ी घूम लिया, और फिलहाल अभी चलते हैं दोस्तों बाहर, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में पूरा मैसूर पैलेस दिखाया अंदर से भी और बाहर से भी कैसा क्या नज़ारा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को सपोर्ट जरूर करना। मैं इसी तरह के वीडियोज़ अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों बाय, फिर मिलूंगा किसी और नए ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए अपने भाई का चैनल। टेक केयर एंड टाटा बाय बाय, लव यू ऑल माई डियर यूट्यूब फैमिली।
मुजरिम हूं, कातिल हूं। जुर्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। जानता हूं आशा कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मगर दुनिया का कोई भी इंसान जानबूझ के बुरा काम नहीं करता। कोई चोर जानबूझ के चोरी नहीं करता, कोई डाकू जानबूझ के डाका नहीं डालता, और कोई दवा जानबूझ के अपना जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं बुरा काम करने पर। जानना चाहती हूँ मैं चोर क्यों बना, किसलिए बना?